प्रिज लॉट लुया मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय दो वचन छे में इस तरह लिखा है पढ़ता हूँ ध्यान से सुनिए हे बतलेम hey, तू जो यहूदा के प्रदेश में है तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं क्योंकि तुझ में एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा बट यू बेतले इन द लैंड ऑफ जुदा आर बाई नो मीन्स लीस्ट एमॉन्ग द रूलरस ऑफ जुदा फॉर आउट ऑफ यू विल कम ए रूलर हु विल शप माई पीपल इसराइल बेतलेहम एक छोटा सा टाउन है छोटा सा गाँव है उसमें प्रभु येशु मसीह का जन्म हुआ है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मरियम गर्भवती हुई जब प्रसव के समय यानी डिलीवरी के समय यूसुफ मरियम को एक बेतलेम नामक एक छोटा सा गाँव गया वहाँ कोई भी उनको जगह नहीं दिए ताकि उनका डिलीवरी हो सके लेकिन उस समय उनको एक छोटा सा मेमने का शाला मिला एक चरणी में यशु मसीह का जन्म हुआ बतलेहेम के पीछे बहुत सारा भविष्यवाणी है मीका की पुस्तक अध्याय पाँच और दो में यही बात लिखा है कि हे बतलहेम तू जो यहूदा के प्रदेश में है तो किसी भी रीति से छोटा नहीं छोटा नहीं देखिए ये गांव बहुत छोटा है लेकिन परमेश्वर ने इस गांव को ऊंचा किया है इस गांव का नाम अब हम पढ़ रहे हैं तो कारण है यशु मसीह का जन्म इसी गांव में राजा दाऊद का जन्म हुआ इसी गांव में दाऊद के पिताजी दाऊद के नाना और दाऊद के ग्रैंड मदर यानी रूथ अपना जीवन बिताने लगे इसी बतलेह में याकूब की पत्नी राहेल को गाड़ा गया अब यही चरित्र है देखिए इस गांव में परमेश्वर ने हजारों साल पहले अपने वश्यदत्ता मीका के द्वारा भविष्यवाणी बताया है तुझ में से अधिपति आएगा और वहाँ मेरी प्रजा की रखवाली करेगा देखिए आप जानते हैं यशु मसीह हमारा चरवाहा है और यशु मसीह का जन्म उस छोटे बेतलहम में हुआ है आप समझते हैं भाई शहर में रहने के द्वारा हमें बहुत कुछ फैसिलिटीज़ रहते हैं इंटरनेट काम होता है ऑनलाइन में सब कुछ ऑर्डर कर सकते हैं अगर हम छोटे से गांव में रहने से क्या मिलेगा ठीक तरह हॉस्पिटल्स नहीं होते ठीक तरह ऑनलाइन फैसिलिटीज़ नहीं रहते हर विषय में मेहनत करना है दूर सफ़र करना है लेकिन यशु मसीह का जन्म शहर में नहीं हुआ लेकिन छोटा सा टाउन गांव में यशु मसीह का जन्म हुआ है देखो परमेश्वर दीन लोगों को ऊंचा करता है और जो अपने आप को ऊंचा करता है उसे दीन बनाता है देखिए यहाँ इस बतलेहम के बारे में हम पढ़ रहे हैं चरित्र में लिखा है जो कि यीशु मसीह हमारे पापों को धोने के लिए सारे मानव जाति को उद्धार में चलाने के लिए स्वर्ग पहुंचाने के लिए इस छोटे से गांव में पैदा हुआ है देखिए कितना धन्य है ये बतले आज परमेश्वर आपके दिल में और मेरे दिल में जन्म लेना चाहता है क्या यीशु मसीह आपके दिल में पैदा हुआ है कल के दिन क्रिसमस है तो पहले से ही बहुत लोग कहते हैं हैप्पी क्रिसमस एडवांस हैप्पी क्रिसमस हैप्पी न्यू ईयर इस तरह बहुत बोलते हैं लेकिन सच्ची क्रिसमस ये है कि एक व्यक्ति पाप में से बाहर आता है एक व्यक्ति का जीवन जब बदलता है वही सच्ची क्रिसमस है ये छोटे गाँव को परमेश्वर ने चुना और एक बड़ा काम किया है आज परमेश्वर हमारा दिल के अंदर आना चाहता है हमारा जीवन को बदलाना चाहता है पुराने समय में आपका जीवन कैसा है अब आपका जीवन कैसा है एक बार सोचिए जब आप अन्य जाति के थे जब विश्वास में नहीं थे आपका जीवन बर्बाद हो गया था लेकिन जब विश्वास में आए हैं जब आप उन्हें उद्धार पाया वचन के अनुसार चल रहे हैं तो परमेश्वर आपका जीवन बहुत कुछ बदलाया है शारीरिक चीज़ों के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ आत्मिक चीज़ों के लिए बता रहा हूँ एक समय हम पाप में थे लेकिन अब परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है या हमें उद्धार दिया है देखिए परमेश्वर हमारी स्थिति को जानता है हम शारीरिक रूप से बलहीन है पापी है लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हमारे द्वारा आश्चर्य काम कर सके आज इस समय बहुत सारे पासवान हमसे आगे जो आए हैं उन्होंने छोटे छोटे गाँव में उनका जन्म हुआ है उन्होंने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है उनका स्टार्टिंग बहुत नम्र और दीन स्थिति में उनका सेविकाई शुरुआत हुई है लेकिन अब परमेश्वर ने उनको बहुत आशीष दिया है कि उनके द्वारा कई लोग उद्धार में आए और परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं मसीह में प्यारे भाई और बहनों कभी भी अपने आप को नीचा मत करो आपकी परिवार सबसे छोटी है लेकिन परमेश्वर जब आपके घर में आएगा आपके दिल में आएगा आप सारे संसार के सामने एक अच्छी गवाही की तरह एक अच्छा सेवक की तरह दिखाई देने वाले है हाल मैं परमेश्वर से मांगता हूँ परमेश्वर तो हमारे जीवन में आ तू हमारे जीवन में हमारे सेविकाई में और हर एक विषय में कदम कदम पर आगे बढ़ाते रहे तू हमारे साथ है तो काफ़ी है पिता परमेश्वर ने बाइबल में कहा है हे छोटी जुंड तू मत डर मैं तेरे साथ हूँ मैं तुझे मार्गदर्शन करूँगा जिस मार्ग में तुझे चलना है तुझे अगुवाई करूंगा जब यीशु मसीह हमारे साथ है तो हमें डरने का ज़रूरत क्या है बताइए परमेश्वर ही हमें रास्ता दिखाएगा और मदद करेगा इसीलिए इस क्रिसमस के समय आप अपने आप को नीचा मत करो मत सोचो कि मैं गांव में हूँ मेरा जीवन ऐसा है मेरे जीवन में सबसे छोटा हूं मैं बालक हूँ सर मत सोचो परमेश्वर आपके जीवन में आएगा तो आपके द्वारा कई अद्भुत कामों को कराएगा जिस तरह इस बेतलेम को परमेश्वर ने आशीष दी है आंखें बंद करिए प्रार्थना करता हूँ आपके लिए अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर बेतलेहेम को तूने चुना है बेतले के अंदर में तूने जन्म लिया है बेतलेहम से तू बाहर आकर सारे संसार के पापों को धोकर एक राजा की तरह एक अधिपति की तरह एक उद्धारकर्ता की तरह प्रभु हमें रक्षा किया है धन्यवाद करता हूँ हमारे जीवन में आप पिता हमारे दिल में आप पिता हमारे सेवकाई को देख पिता जितने लोग भाई बहन घर में प्रभु विश्वास से तेरी उपासना करते हैं उनके घरों में आ हमारे जीवन को बदला हमारे परिस्थिति को बदला नए साल में आने वाले दिनों में हम हमें ऊंचा कर परमेश्वर हमें ऊंचे पद दे जितने भी लोग प्रमोशंस के लिए नौकरियों के लिए तलाश है उन सबको आशीष दे पिता नए साल में प्रभु उनके हाथ की कमाई में बरकत दे परमेश्वर कर्जों से छुटकारा दे परमेश्वर घर में तेरी शांति समाधान प्यार देकर आशीष दे पिता इस वचन के द्वारा हमसे बात करने के लिए धन्यवाद ये मसीहा नाम पर विनती करता हूँ पिता आमेन गॉड ब्लेस यू परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे आमैन